हेलो स्टूडेंट वेलकम टू माय क्लास टुडे आई एम गोइंग टू टेक क्लास ट्वेल्व जोग्रफी द बुक नेम इज इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी इट इज चैप्टर फोर एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज ह्यूमन सेटलमेंट सो लेट्स प्रोसीड विद दिस चैप्टर तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे आप ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में टाइप्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में और टाइप्स ऑफ सिटीज एंड टाउन्स के बारे में एटसेट्रा इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा ह्यूमन तो सेटलमेंट क्या होता है जब ह्यूमन ग्रुप के साथ अपनी हाउसेस बना करके एक जगह पे रहता है तो उसको ह्यूमन सेटलमेंट कहते हैं ये कई कई टाइप्स और साइजेस में हो सकते हैं ये एक लार्ज सेटलमेंट जैसे कि आपका मेट्रोपॉलिटन सिटी भी हो सकता है या एक छोटा सेटलमेंट जैसे कि कोई हैमलेट या गांव भी हो सकता है तो जब ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस आप सेटलमेंट को डिवाइड करते हो यानी कि लोग कहाँ रह रहे हैं उस बेसिस पे आप डिवाइड करते हो जब सेटलमेंट को तो वो दो तरह के सेटलमेंट होते हैं एक होता है रूरल सेटलमेंट और एक होता है अर्बन सेटलमेंट तो रूरल और अर्बन सेटलमेंट में क्या डिफरेंस है देखते हैं कंपेयर करके रूरल सेटलमेंट में बहुत कम सेटलमेंट होते हैं वो स्पार्सली लोकेटेड होता है उसमें कई कम कम हाउसेस आपको देखने को मिलेंगे कम लोग आपको देखने को मिलेंगे ठीक है और जो अर्बन सेटलमेंट होता है वो आपके कम है सिटीज़ तो कम है आपके देश में मगर वो हाँ वो उसमें एक लार्ज सेटलमेंट आपको देखने को मिलेगा यानी बहुत सारे हाउसेस उस जगह पे आपको देखने को मिलेंगे जो रूरल सेटलमेंट है उसका जो मेन ऑक्यूपेशन है वो प्राइमरी एक्टिविटी यानी एग्रीकल्चर होता है और जो अर्बन सेटलमेंट है वो वहां के लोग आपका सेकेंडरी और टेरशरी ऑक्यूपेशन करते हैं रूरल सेटलमेंट की जो ज्यादातर नीड है वो लैंड उस उस जगह के मिलने वाला लैंड सेटिस्फाई करता है वेराज जो अर्बन सेटलमेंट है ना वो आपका जो काम करता है वो क्या करता है अपना प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल करता है यानी कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है साथ ही वो बहुत सारे सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है जो रूरल सेटलमेंट है वो फूड सप्लाई करती है और रॉ मटेरियल सप्लाई करती है इंडस्ट्री को यानी अर्बन एरिया को वो फूड और रॉ मटेरियल देती है और ये काम वो कैसे करती है वेरियस ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू करती है जो सिटीज होती है ना वो इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करती है और बहुत तरह के गुड्स को प्रोवाइड करती है और बहुत तरह की सर्विसेज को प्रोवाइड करती है अर्बन एरिया में भी और अपने आस पास के जो इंटरलैंड रूरल विलेज होते हैं जो अपने आस पास के रूरल विलेज होते हैं उनमें भी ये अर्बन सेक्टर वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है लास्ट डिफरेंस जो रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट में है कि जो रूरल सेटलमेंट का जो सोशल रिलेशनशिप है और जो आउटलुक है और जो एटीट्यूड है वो अर्बन सेटलमेंट से बिल्कुल ही डिफरेंट है रूरल सेटलमेंट के लोग सिंपल होते हैं लेस मोबाइल होते हैं और इंटेंस रिलेशनशिप रखते हैं यानी कि अपने आस पास की हर चीज में वो एक साथ मिलकर के काम करते हैं एक दूसरे के घर के बारे में जानते हैं सबके बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन एक दूसरे के बारे में रखते हैं मगर जो अर्बन सेटलमेंट है वो फास्ट एंड कॉम्प्लेक्स है और ये आपका फॉर्मल रिलेशनशिप रखता है कोई इंटेंस रिलेशनशिप नहीं रखता यानी कि यहाँ के जो आसपास के घर है एक दूसरे के जो मामले हैं उसमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते एक दूसरे के बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं रखते ठीक है तो एक फॉर्मल रिलेशनशिप वो आसपास से रखते हैं तो ये अर्बन और रूरल सेटलमेंट में डिफरेंस था अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट तो जो रूरल सेटलमेंट है ना वो कितने बड़ी एरिया में बना है और किस तरह से वहां के हाउसेस के बीच में डिस्टेंस है रिलेशन है इस बेसिस पे आप रूरल सेटलमेंट को कई कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो जो रूरल सेटलमेंट किस तरह का बनेगा ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं कि हम किस तरह का रूरल सेटलमेंट इस इस जगह पे देखने को मिलेगा ये वहां के कुछ फैक्टर्स डिसाइड करते हैं जैसे कि फिजिकल फीचर्स कल्चरल एंड एथेनिक फैक्टर और साथ ही सिक्योरिटी फैक्टर तो फिजिकल फीचर्स में क्या क्या फैक्टर्स आते हैं फिजिकल फीचर्स में आपका लैंड फॉर्म क्लाइमेट एल्टीट्यूड वाटर अवेलेबल यानी किस तरह का लैंड फॉर्म है प्लेन एरिया है माउंटेन एरिया है या किस तरह का क्लाइमेट है या कितने एल्टीट्यूड यानी कितने हाइट में बना हुआ है क्या वाटर अवेलेबल है कितना वाटर अवेलेबल है ये सब भी सेटलमेंट को डिसाइड करते हैं फॉर एग्जाम्पल वाटर मान लो कि एक ही एरिया में अवेलेबल है और दूसरे एरिया में अवेलेबल नहीं है तो सब लोग अपना घर उसी वाटर के आसपास बना के रहेंगे कल्चरल और एथनिक फैक्टर भी डिसाइड करता है कि किस तरह का सेटलमेंट होगा मान लो कि अगर सोसाइटी कास्ट और रिलीजन में डिवाइडेड है ठीक है सोशली वो डिवाइडेड है तो क्या होगा हर कास्ट का लोग अपने अपने कास्ट वालों के साथ मिलकर के रहना पसंद करेगा तो हर कास्ट के लोग अपना अपना एक ग्रुप बनाकर के एक कास्ट के लोग एक कोने में चले जाएंगे दूसरे कास्ट के लोग दूसरे कोने में चले जाएंगे तो वो इस तरह का सेटलमेंट बनाएंगे सिक्योरिटी फैक्टर भी डिसाइड करता है कि किस तरह का सेटलमेंट होगा फॉर एग्जाम्पल अगर वहां पे थेप हो रही है चोरी हो रही है रॉबरी हो रही है तो क्या होगा लोग मिल करके रहना पसंद करेंगे क्योंकि उनको अगर इस तरह की प्रॉब्लम फेस करने पड़े थे और रॉबरी तो वो एक दूसरे की हेल्प कर सकेंगे मगर अगर थेप्ट और रॉबरी का प्रॉब्लम नहीं है तो वो दूर दूर भी एक दूसरे से रह सकते हैं अब हम देखेंगे कि कितने तरह के टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट कितने टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट होते हैं तो पहला जो होता है वो क्लस्टर एग्लोबरेटेड या न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट होता है इसमें क्या होता है जो आपका लिविंग एरिया होता है जो आप जहां पे आप रहते हो वो एरिया आपके एग्रीकल्चर फील्ड और आपके ग्रासलैंड पास्चर से जो आपके जानवरों का ग्रासलैंड है उससे दूर होता है यानी कि आप ऐसा नहीं कि अपने खेतों के बीचों बीच घर बनाकर नहीं रखते हो आपका खेत अलग होता है आपका ग्रासलैंड अलग, ग्रास अलग होता है और आपका सेटलमेंट का एरिया अलग होता है इसमें क्या करते हो आपके जो हाउसेस होते हैं दूसरे दूसरे लोगों के जो हाउसेस होते हैं वो क्लस्टर्ड होते हैं यानी एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक नजदीक होते हैं ये रेक्टेंगुलर रेडियल लीनियर किसी भी शेप में हो सकता है इसका एग्जाम्पल आपको फर्टाइल एल्यूबियल प्लेन में फर्टाइल लैंड जहां पे मिलता है एल्यूबियल प्लेन वहां पे भी देखने को मिल सकता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी लोग आपको क्लस्टर बना के रहते हुए दिखेंगे क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी पर्पज के कारण ये लोग एक साथ रहना पसंद करते हैं इवन बुंदेलखंड और नागालैंड में भी राजस्थान में भी लोग वाटर सिक्योर वहां पे बहुत ज्यादा है तो वाटर की सिक्योरिटी के लिए और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर के लिए वो वाटर के आसपास में एक क्लस्टर सेटलमेंट बनाकर रहते हैं तो इसका आप फिगर देख सकते हो इस फिगर में आपको लेफ्ट हैंड साइड में डिस्पर्स सेटलमेंट और राइट हैंड साइड में क्लस्टर्ड या न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट दिखाया जा रहा है जो डिस्पर्स सेटलमेंट है ना वो बिल्कुल अपोजिट होता है क्लस्टर सेटलमेंट का क्लस्टर्ड या न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट में देख सकते हो आप घर बिल्कुल आसपास बने हैं और न्यू आपका जो डिस्पर्स सेटलमेंट है उसमें घर एक दूसरे से बिल्कुल दूर दूर, दूर बने हुए हैं ठीक है तो ये आपका क्लस्टर्ड एंड सेटलमेंट था अब हम दूसरे टाइप्स ऑफ सेटलमेंट देखेंगे वो है आपका सेमी क्लस्टर सेटलमेंट या फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट ठीक है ये क्या होता है ये भी एक तरह का क्लस्टर्ड सेटलमेंट होता है पर उस क्लस्टर सेटलमेंट में सेग्रीगेशन होता है अलग हो जाता है कुछ कुछ उसमें अलग भी होकर के रहते हैं इसमें क्या होता है एक से ज्यादा सेक्शन सोसाइटी में रहते हैं तो कुछ जो सेक्शन होते हैं वो एक जगह बर, बना के घर रहने लगते हैं और जो दूसरे सेक्शन ऑफ सोसाइटी होते हैं ना वो उनके साथ नहीं रह पाते उनको फोर्स किया जाता है कि वो कहीं और जाकर के रहे तो इससे क्या होता है जो डोमिनेंट सेक्शन होता है उस सोसाइटी का वो तो बीचों बीच अपना जगह ऑक्यूपाई कर लेता है और बीचों बीच रहने लगता है जो लेस पावरफुल सेक्शन होता है जो उतना पावरफुल नहीं होता वो आपके जो आउटर फ्लंक होते हैं ना जो किनारा एरिया होता है उस गाँव का या सिटी का तो उस जगह पे वो रहने लगता है उसको कहा जाता है आप उस उस तरह के सेटलमेंट को आप कहते हो सेमी क्लस्टर सेटलमेंट ये आपको गुजरात और राजस्थान के कुछ पार्ट्स में देखने को मिलेगा इस फिगर में आप देख सकते हो बीचों बीच एक सेटलमेंट बना हुआ है क्लस्टर्ड होकर के और जो बाकी के लोग हैं ना वो आउटर फ्लंक में जाकर के सेटल हुए हैं क्योंकि वो उनके साथ मिल करके नहीं रह सकते क्योंकि वो बीच में जो रहने वाले लोग हैं वो पावरफुल है और वो उनको अलाउ नहीं करेंगे कि ये जो छोटे जो लेस पावरफुल लोग हैं वो उनके साथ रहे तो क्या हो रहा है एक तरफ क्लस्टर्ड हुआ है बीच में मगर दूसरी तरफ आपके वो लोग अलग अलग रह रहे हैं उनके साथ मिलकर के नहीं रह रहे हैं तो ये आपका सेबी क्लस्टर सेटलमेंट था अब हम थर्ड टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट देखेंगे वो है आपका हेमलेटेड सेटलमेंट इस सेटलमेंट में क्या होता है इसमें कई यूनिट्स होते हैं सोसाइटी में कई फ्रेगमेंटेड सेवरल यूनिट होते हैं सोसाइटी में यानी एक, 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 एक सेक्शन के लोग नहीं होते इसमें कई सेक्शन के लोग होते हैं ये फिजिकली एक दूसरे से सेपरेट होकर के रहते हैं क्योंकि इन सब की जो सोशल और एथेनिक फैक्टर होती है ना वो अलग अलग होती है हर कोई अपने अपना अलग सोशल और एथेनिक फैक्टर्स वाला होता है इसलिए अलग होकर रहता है ये यूजुअली आपको कई नाम से इसको बुलाया जाता है जैसे कि पारना पार, पारा पाली नागला दानी एटसेट्रा इस तरह के कई नाम इसको दिए गए हैं इस तरह का सेटलमेंट आपको मिडिल लोअर गंगा प्लेन में छत्तीसगढ़ में या लोअर वैली ऑफ हिमालय में देखने को मिलेगा यहाँ सेटलमेंट ना पैचेस में होता है यानी एक पैच ऑफ सेटलमेंट इधर एक पैच ऑफ सेटलमेंट उधर और एक पैच ऑफ सेटलमेंट मिडिल में कोई लेफ्ट में कोई राइट में मतलब दूसरी दूसरी जगहों पे जाकर के अपना अपना एक एक पैच ऑफ सेटलमेंट बना के रहते हैं जैसे आप इसमें देख सकते हो इसमें क्या है आपका एक सेटलमेंट बीच में है और फिर आपके चारों कॉर्नर में दूसरे दूसरे पैचेस ऑफ सेटलमेंट है तो आपको जो मैंने कॉर्नर में सिर्फ दो दो घर दिखाए हैं मगर आप उसमें कई घर दिखा सकते हो दस दस घर भी दिखा सकते हो इसमें क्या है आपका जो सोसाइटी में है कई डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स आप लोग रह रहे हैं सोसाइटी में और ये लोग पैचेस बना बना के एक यहाँ पे झुंड बना के एक वहां पे झुंड बना करके रह रहा है तो इसको कहा जाता है आप हेमलेटेड सेटलमेंट अब हम फोर्थ टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट देखेंगे वो है आपका डिस्पर्स सेटलमेंट इसमें क्या होता है या तो कोई आइसोलेटेड जगह पे हर्ट्स बना करके अकेला रह रहा है या कुछ बहुत सारे दो चार हर्ट्स रह रहे हैं मगर एक दूसरे से काफी दूर दूर रहते हैं ये आपको हो सकता है आपको देखने को मिल सकता है रिमोट जंगल में या किसी छोटे से हिल में कुछ आप देख सकते हो हिल के ऊपर दो चार ही घर बने हुए हैं या जंगल में कुछ घर बने हुए हैं और एक दूसरे से काफी दूर रहते हैं इनका जो एग्रीकल्चर फील्ड होता है इनका जो ग्रासलैंड होता है ये इनके घर के आसपास ही होता है ये अपने अपने फील्ड और पाश्चर लैंड के आसपास ही अपना घर बना करके रहते हैं ठीक है इसका एग्जाम्पल आपको उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश और केरला में देखने को मिलेगा तो इसी फिगर में आप देख सकते हो कि आपका लेफ्ट हैंड साइड में डिस्पर्स सेटलमेंट बनाया गया है जिसमें घर एक दूसरे से काफी दूर दूर है यह आपका न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट यानी आपका क्लस्टर्ड सेटलमेंट के बिल्कुल अपोजिट होता है ठीक है अब हम अर्बन सेटलमेंट देखेंगे तो कई टाउन आपका जो फ्लोरिश हुआ है आपके कंट्री में कई टाउन्स एंड सिटीज फ्लोरिश हुए हैं ये टाउन्स एंड सिटीज ऐसा नहीं है कि आज फ्लोरिश हुए हैं पुराने समय से ही वे फ्लोरिश होते हुए आ रहे हैं इवन इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से ही कई टाउन्स हमारे कंट्री में देखने को मिल रहे हैं तो टाउन्स कई तरीके के होते हैं एक होता है एंशियंट टाउन टाउन वो टाउन होता है ना जो एनशियट पीरियड में डेवलप हुआ है इसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जैसे कि कुछ रिलीजियस या कल्चरल बैकग्राउंड हो कि ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था ये कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था इसका एग्जाम्पल जैसे कि वाराणसी प्रयाग आपका पाटलिपुत्र मदुरई ये सब क्या है ये रिलीजियसली और कल्चरली हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे तो ये टाउन के रूप में डेवलप हो गए और इन टाउन्स को आज कहा जाता है एनशेंट टाउन इसी तरह से जो दूसरा टाउन होता है वो होता है मिडिवल टाउन इनका जो एग्जिस्टेंस हुआ है ये हंड्रेड्स ऑफ ऐसे टाउन्स आपको देखने को मिलेंगे इनका जो रूट है ये कब स्टार्ट हुए थे ये मिडिवल पीरियड में स्टार्ट हुए थे ज़्यादातर ये हेडक्वार्टर्स होते थे प्रिंसिपैलिटी और किंगडम के और नहीं तो ये फोर्ट टाउन्स हुआ करते थे यानी किला उला बना रहता था इस टाउन्स में और ये ज़्यादातर आपके रूइ्स ऑफ एंशियट टाउन्स के ऊपर बने मतलब एनशियट टाउन जब खत्म हो गया तो उसके उसके बदले भी ये टाउन्स आपके बने थे तो इसके एग्जाम्पल आपको क्या क्या है इसके एग्जाम्पल आपका दिल्ली हैदराबाद लखनऊ जयपुर आगरा नागपुर ये सब आपका मिडिवल पीरियड में डेवलप हुआ टाउन्स है इसके अलावा जो तीसरा टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट है वो है मॉडर्न टाउन ये आपका कब डेवलप हुआ ये आपका ब्रिटिश पीरियड में जब ब्रिटिश और दूसरे यूरोपियन कंट्री जैसे फ्रांस पुर्तगीज डच ये सब हमारे कंट्री में ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए आए थे और इन लोगों ने कोस्टल एरिया में इस तरह के टाउन्स को डेवलप किया मोस्टली इन्होंने कोस्टल एरिया में ही डेवलप किया क्योंकि उनको ये ट्रेडिंग के लिए आए थे इनको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना था और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आप कोस्टल एरिया यानी समुद्र के किनारे से करते थे इसीलिए वो वहाँ पे उसको डेवलप किए ठीक है इसका एग्जांपल चेन्नई कोलकाता मुंबई है और ये इनको पोर्ट टाउन भी कहा जाता है इसके अलावा उसी पीरियड में कई एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर यानी जहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता था कुछ हिल टाउन भी डेवलप हुए जो कि समर सीजन में राहत देने के लिए बनाए गए थे कुछ आपके मिलिट्री टाउन्स भी बने मिलिट्री रखने रखे जाते थे वहां पे कुछ इंडस्ट्रियल टाउन जैसे जमशेदपुर जैसे इंडस्ट्रियल टाउन भी इस पीरियड में डेवलप हुए हैं तो ये आपका फर्स्ट स्टेज ऑफ टाउन डेवलपमेंट है अब हम इसका सेकेंड स्टेज आप अर्बन uh, सेटलमेंट का सेकेंड स्टेज देखेंगे जो कि इंडिपेंडेंस के बाद स्टार्ट होता है इस समय भी कई मेन टाउन कई टाउन्स आपके डेवलप हुए कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स के रूप में टाउन्स का डेवलपमेंट हुआ जैसे दिल्ली, छत्तीसगढ़ और दिसपुर ये सब क्या थे कैपिटल सिटीज थे या तो कंट्री का कैपिटल या तो किसी स्टेट का कैपिटल इसके अलावा कुछ इंडस्ट्रियल सेंटर भी डेवलप हुए जैसे दुर्गापुर भिलई सिंदरी बरौनी ये सब क्या है इंडस्ट्रियल टाउन बनकर डेवलप हुए यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप हुई और कुछ ओल्ड टाउन जो थी ना जो पुरानी ओल्ड टाउन्स हुआ करती थी वो बाद में सेटेलाइट सेटेलाइट टाउन्स बन जाती हैं मेगा सिटीज़ की या मेट्रोपोलिटन सिटीज़ की तो सैटेलाइट टाउन किसको कहते हैं जब कोई मेन uh, टाउन uh, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती है ना uh, जो सिटीज़ होती है ना उसके आसपास के जो टाउन्स होते हैं ना वो सेटेलाइट टाउन्स कहलाते हैं ठीक है जैसे कि आपका दिल्ली है दिल्ली के आसपास में गाजियाबाद रोहतक गुरुग्राम ये सब क्या बन गया ये सेटेलाइट दिल्ली रीजन का ठीक है तो सेटेलाइट टाउन्स में कन्वर्ट हो गए कुछ टाउन्स आपके ऐसे ही बहुत बड़े बड़े और छोटे छोटे टाउन्स हमारे ऑल ओवर द कंट्री डेवलप होते रहे तो अब हम अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया देखेंगे अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कितना परसेंटेज पॉपुलेशन अर्बन एरिया यानी सिटीज या टाउन्स में रह रहा है उसको कहा जाता है अर्बनाइजेशन अगर आप इंडिया का अर्बनाइजेशन ट्वेल्थ सेंचुरी से कंपेयर करोगे आज 2011 के डेटा से तो आप देखोगे कि 11 परसेंट हमारा अर्बन पॉपुलेशन बढ़ गया है आज हमारे देश में 31.16 परसेंट लोग अर्बनाइजेशन में आते हैं यानी कि अर्बन एरिया में रहते हैं तो ये नंबर आपको डेवलप आप कंट्री के नंबर से डेफिनेटली कम है मगर फिर भी हमारा जो अर्बनाइजेशन है वो डे बाय डे बढ़ रहा है लास्ट टू डेकेट से यानी ट्वेंटी इयर्स से हमारा जो ये ग्रोथ रेट है अर्बनाइजेशन का वो थोड़ा सा कम हुआ है ठीक है तो ये आपका अर्बनाइजेशन ऑफ आप इंडिया था अब टाउन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन देखेंगे तो पॉपुलेशन के बेसिस पे टाउन को कैसे क्लासिफाई किया जाता है टाउन्स को आप सिक्स क्लासेस में डिवाइड कर सकते हो पॉपुलेशन के बेसिस पे आपके बुक में ये टेबल दिया होगा देखिए क्लास आपको टाउन क्लास क्लास वन टाउन क्लास टू टाउन क्लास थ्री टाउन्स ऐसे करते करते आप क्लास सिक्स टाउन्स दिखा सकते हो आपका रो वन में दिखा रहा है कितने क्लासेस हैं टाउन्स के सेकेंड में आपको दिखाया गया है वो क्लास वन के जो पॉपुलेशन क्या होता है क्लास वन टाउन का पॉपुलेशन क्या होता है और क्लास सिक्स टाउन का पॉपुलेशन क्या होता है क्योंकि ये ये टाउन किस बेसिस स्पेसिस क्लासीफाई हुआ है पॉपुलेशन के बेसिस में तो जो क्लास सिक्स का जो टाउन होता है वहां पे आपका लेस देन फाइव थाउजेंड लोग रहते हैं वेर एज जो क्लास वन का जो टाउन होता है ना वन लैख और उससे ऊपर के लोग वहां उससे ज्यादा के लोग वहां पे रहते हैं ठीक है और आपको थर्ड रो में आपको नंबर्स दिए कि कितने क्लास वन टाउन कितने क्लास टू टाउन हमारे कंट्री कितने -कितने वो आपको बताया गया है लेस देन वन मिलियन पॉपुलेशन होता है ना उसको स्मॉल सिटी कहा जाता है ठीक है और जहां पे पॉपुलेशन वन मिलियन से ज्यादा और फाइव मिलियन से कम होता है ना उसको कहा जाता है मेट्रोपॉलिटन सिटी और जब वो फाइव मिलियन से भी ज्यादा होता है तब उसको कहा जाता है मेगा सिटी तो वन मिलियन से अगर कम है तो आपका स्मॉल सिटी वन मिलियन से फाइव मिलियन का पॉपुलेशन है तो मेट्रोपॉलिटन सिटी और फाइव मिलियन से भी ज्यादा है तो वो मेगा सिटी कहलाता है तो इस पॉपुलेशन के बेसिस में हमने टाउन्स एंड सिटीज को डिवाइड किया जो मोस्ट ऑफ द मेट्रोपॉलिटन सिटीज है ना और जो मेगा सिटीज है वो अर्बन एग्लोमेशन है यानी अर्बन एरिया को जुड़ करके बनी हुई है इनमें क्या क्या चीजें जुड़ जाती हैं थ्री थिंग्स जुड़ती हैं एक होती है आपकी टाउन्स एंड एडजॉइनिंग अर्बन आउट यानी कि जो टाउन्स होते हैं ना जो सिटीज के पास जो आपका मेट्रोपॉलिटन सिटीज या मेगा सिटीज के जो आस के जो टाउन्स होते हैं वो उसके साथ जुड़ जाते हैं और उसके जो एडजॉइनिंग उससे जुड़े हुए जो अर्बन आउटग्रोथ होता है उसके आसपास का जो अर्बनी अर्बन डेवलप एरिया होता है वो भी उसके साथ जुड़ सकता है तो ये अर्बन आउटग्रोथ कुछ भी हो सकता है कैंपस हो सकता है कोई या कोई रेलवे कॉलोनी हो सकती है कुछ भी हो सकता है इसके अलावा जो सेकेंड जो जुड़ता है मेट्रोपॉलिटन या मेगा सिटीज के साथ अर्बन एग्लोमरेशन में वो वो क्या आता है टू या टू, आ, टू से ज्यादा मोर देन टू टू और मोर देन टू कॉन्टेजीनियस टाउन भी इस सिटी इनके साथ अंडर ग्रोथ में जो अपने अंडर ग्रोथ के साथ या अपने अंडर ग्रोथ के बगैर भी मेट्रोपॉलिटन और मेगा सिटी से जुड़ करके अर्बन एक्लोमरेशन बनाती हैं इसके अलावा कुछ सिटी होती हैं वो आपकी एक या एक से ज्यादा जो टाउन उस सिटी के साथ जुड़ी है वो भी आपकी मेट्रोपॉलिटन या मेगा सिटी के साथ जुड़ करके आपका अर्बन एक्लोमरेशन बना सकती है तो ये जो सिटी होती है जिसके एडिंग टाउन्स होते हैं वो आपका रेवेन्यू कलेक्शन का जो टाउन्स एंड विलेज होता है ना वो भी हो सकता है ठीक है तो ये सारे आपके जुड़ करके मेगा सिटी और मेट्रोपॉलिटन सिटी के साथ जुड़ करके अर्बन एग्लोमेशन बनाते हैं हमारा जो टोटल पॉपुलेशन है ना उसका 60 परसेंट पॉपुलेशन आपको क्लास वन टाउन में रहता हुआ दिखेगा 21 परसेंट जो पॉपुलेशन है वो आपका मेगा सिटी में रहेगा मेगा सिटी में जो टाउन जो आपके आती है ना जो सिटीज uh, वो है आपकी कोलकाता चेन्नई मुंबई दिल्ली बैंगलोर एंड हैदराबाद तो ये सिक्स मेगा सिटी है हमारे देश की ठीक है इसके बाद जो इंडिया का लार्जेस्ट एग्जोमरेशन अर्बन एग्जोमरेशन माना जाता है जिसके मेगा सिटी के साथ बहुत ज़्यादा आसपास के जो सिटीज एंड टाउन्स जुड़ गए हैं वो है आपका ग्रेटर मुंबई जहां पे आपका 18.4 मिलियन पीपल रहते हैं ठीक है अब हम देखेंगे फंक्शनल बेसिस पे कैसे टाउन को क्लासिफाई किया जाए तो केवल टाउन एक कोई नोडल प्लेस नहीं होता एक सेंटर प्लेस नहीं होता इसमें कई फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं वैसे तो टाउन कई फंक्शन परफॉर्म करता है मगर वो जो डोमिनेंट फंक्शन जो होता है उस बेसिस पे उस टाउन को कई कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन या सिटी जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ज्यादातर होता है यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है जैसे दिल्ली जयपुर लखनऊ और हैदराबाद इस तरह की जो टाउन्स होते हैं जहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है ज़्यादातर ये क्या होते हैं कैपिटल्स होते हैं आपके स्टेट के या कंट्री के तो जहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है उस टाउन उस सिटी को कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन या एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी सेकेंड होता है आपका इंडस्ट्रियल टाउन ये आपका इंडस्ट्रियली डेवलप एरिया होता है जैसे कि हुगली विलई सलीम कोयम्बतूर मुंबई जमशेदपुर मोदीनगर ये सब क्या है इंडस्ट्रियली डेवलप एरिया है इसलिए इसको कहा जाता है इंडस्ट्रियल टाउन इसके अलावा फंक्शनल बेसिस पे आप कर सकते हो ट्रांसपोर्ट टाउन ट्रांसपोर्ट टाउन या ट्रांसपोर्ट सिटी ये क्या होता है ये ज़्यादातर पोर्ट सिटीज होता है जहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है और ट्रेडिंग की जाती है ट्रेडिंग में या ट्रांसपोर्टेशन में ही एक दूसरे सामान को या लोगों को ले जाने जाने में हेल्प करता है आपका ये ज़्यादातर आपका पोर्ट सिटीज होता है जैसे कि कांडला कोची विशाखापट्टनम इसके अलावा अगर ये उस कोई प्लेस है जो कि ट्रांसपोर्ट हब बन चुका है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेवलप है वो भी आपका ट्रांसपोर्ट सिटीज़ और टाउन्स के ही कैटेगरी में आता है जैसे कि धुलिया मुगल सराय इटारसी कटनी आगरा ये सब भी आपका एक ट्रांसपोर्ट हब बन चुका है और ये ट्रांसपोर्ट सिटी या ट्रांसपोर्ट टाउन कहलाता है इसके अलावा फंक्शनल बेसिस पे आप क्लासिफाई कर सकते हो कमर्शियल टाउन को जो कि ट्रेड और कॉमर्स के काम के लिए यूज़ किया जाता है इसका एग्जाम्पल आपका कोलकाता सतना सहारनपुर जैसे प्लेस हो सकते हैं इसके अलावा माइनिंग टाउन होता है जो कि माइनिंग रिच मिनरल रिच एरिया होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा माइनिंग होती है उसको मिनरल टाउन कहा जाता है इसके एग्जाम्पल है आपका रानीगंज झड़िया निग्बोय अनकतेश्वर सिंगरौली एटसेट्रा तो इसके अलावा जो फंक्शनल टाउन्स होते हैं वो एक होते हैं गैरसिन कैंटोनमेंट टाउन गैरसन कंटोनमेंट टाउन क्या होता है ये गैरसन सिटी होती है यानी कि ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बनाई गई सिटी होती है जहां पे ट्रूप्स को रखा जाता है इसका एग्जाम्पल है बबीना अम्बाला जलंधर उधमपुर एटसेट्रा ठीक है कुछ एजुकेशनल टाउन्स भी होते हैं जहाँ पे एजुकेशनल सेंटर बन चुका है जहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी आ चुकी है जहाँ बहुत बड़े बड़े कैंपस आपको देखने को मिल जाए जैसे कि रूड़की इलाहाबाद वाराणसी अलीगढ़ पिलाड़ी ये सब आपके एजुकेशनल सेंटर बड़े बड़े बड़, बड़ एजुकेशनल सेंटर है इसलिए इनको कहा जाता है एजुकेशनल टाउन इसके अलावा आपके कुछ रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन होते हैं ये क्या होता है यहाँ पे रिलीजियस इंपॉर्टेंस होता है इस इस प्लेस का रिलीजियस इंपॉर्टेंट होता है जैसे कि आपका पुष्कर तिरुपति कुरुक्षेत्र अजमेर मधुरई एटसेट्रा तो रिलीजियसली इंपॉर्टेंट होने के कारण इसको रिलीजियस टाउन कहा जाता है लास्टली आपका होता है टूरिस्ट टाउन टूरिस्ट टाउन कौन सा टाउन होता है ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन होता है यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते जाते रहते हैं ये टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे लोग घूमना आना पसंद करते हैं इसका एग्जाम्पल आपका हो सकता है पंचमढ़ी जोधपुर और उडगमंडलम जिस ऊटी को कहा क्या कहा जाता है उडगमंडलम ठीक है माउंट आबू ये सब आपके क्या हो गए आपके टूरिस्ट टाउन हो गए तो ये एरिया टूरिस्ट लोगों के लिए अट्रैक्शन होता है टूरिस्ट लोग यहाँ बहुत आते जाते हैं इसलिए इसको टूरिस्ट टाउन कहा जाता है तो ये जो टाउन्स के डिफरेंट फंक्शन के बेसिस में टाउन का क्लासिफिकेशन होता है मगर ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये फंक्शन टाउन का है तो आगे चल के ये फंक्शन ही रहेगा और चेंज नहीं होगा चेंज भी हो सकता है कभी कभी टाउन मल्टी फंक्शन भी करती है और अपना फंक्शन चेंज भी कर लेती है तो इस तरह से आप टाउन आप को डिवाइड किए हो फंक्शन के बेसिस पे अब हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो है स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट ये मिशन आपको स्टार्ट किया गया था ताकि सिटी जो है ना वो डेवलप की जा सके सिटी को स्मार्ट सिटीज में कन्वर्ट किया जा सके वो सिटी जहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है गुड इन्वॉर्मेंट मिलता है डिसेंट लाइफ जीने को मिलती है चीप में सर्विसेज मिल जाती है सस्ते में और जहाँ पे आप कम रिसोर्स यूज करके ज़्यादा फ़ायदा देते हो और लेस वनरेबल टू डिजास्टर हो जहाँ पे जल्दी डिजास्टर नहीं आती है तो और जो इस तरह की जो फैसिलिटी देता है वो सिटी क्या बन जाती है एक मॉडल बन जाती है दूसरे सिटी के लिए एक लाइट हाउस बन जाती है दूसरे सिटी के लिए और इंस्पायर करती है दूसरे सिटीज को अपने जैसा बनने के लिए और ऐसी ही सिटी को कहा जाता है स्मार्ट सिटी तो आज सारी सिटी अपने आप को स्मार्ट सिटीज में कन्वर्ट करने के लिए ट्राई कर रही है तो इस चैप्टर में आपका इतना ही आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर इफ यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर स्टूडेंट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एम पी सोशल व्यू थैंक यू स्टूडेंट थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग